करीब 14 माह बाद आयोजित की गई नगर पालिका बोर्ड की मीटिंग हंगामेदार रही। पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में आरोप प्रत्यारोप के साथ विकास के मुद्दे भी छाए रहे। इस दौरान पार्षदों ने ज्यादातर टेंडर एक ही फर्म को देने को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने ईओ व चेयरमैन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। इस दौरान पालिका क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सभा के शुरू में जेएन हरीश कुमार पालिका क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दे ही रही थी। तब प्रतिपक्ष के पार्षद सरदार सिंह चौधरी ने पालिका प्रशासन पर मनमर्जी का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन बिना पार्षदों से सलाह लिए पालिका का बजट पास कर देता है। चौधरी द्वारा उठाए गए मामले का प्रतिपक्ष दल नेता संजय पारिक, कांग्रेसी पार्षद श्रवण वर्मा, दिलीप जाजूरिया, अब्दुल लतीफ कुरैशी, त्रिलोकचंद भाटी सहित अन्य पार्षद ने चौधरी का समर्थन करते ही हो हल्ला शुरू हो गया और प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। नेता प्रतिपक्ष संजय पारिक ने कस्बे के सभी पत्रकार को रियायती दर पर आवास या भूखंड दिए का प्रस्ताव रखा, जिसका उपस्थित सभी ने समर्थन भी किया। अब्दुल लतीफ कुरैशी ने कस्बे में घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में छोड़े जाने की मांग उठाई। कुरैशी ने कहा कि आवारा पशुओं के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। वहीं पार्षद सीमाराज कुमावत, श्रवण वर्मा, दिलीप जाजूरिया सहित पार्षदों ने पालिका के ठेकेदार श्यामलाल कारशैली पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए बंद पड़ी रोड लाइटों को चालू करवाने की मांग की। उन्होंने पालिका के सभी ठेके एक ही व्यक्ति को दिए जाने का भी विरोध किया। पार्षद सीमाराज ने कस्बे में कार्य कर रहे नरेगा मजदूरों को ठेकेदार द्वारा पूरा भुगतान नहीं करने पर रोष व्यक्त किया। पार्षद सरदार सिंह चौधरी ने 5 बत्ती चौराहे पर नवनिर्मित बस स्टैंड के शिलान्यास के वक्त पार्षदों को आमंत्रित नहीं किए जाने के विरोध में सदन में धरने पर बैठ गए, जिन्हें साथ ही पार्षदों ने समझा कर उठाया। अंत में अधिशासी अधिकारी राकेश कुमार शर्मा ने पार्षदों द्वारा उठाए गए सभी प्रस्ताव को एजेंडे में शामिल कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष योगेश सैनी सहित लगभग सभी पार्षद उपस्थित रहे। दो एजेंडे थे, विकास कार्यों की चर्चा और 15 अगस्त की तैयारी के विषय में चर्चा। तो विकास कार्य में जो हमने 2022-23 में जो किए हुए कार्य हैं, जो प्रगतिगत कार्य हैं, उनका विवरण भी सदन की मेज पर रखा। कई वार्ड मेंबरों ने अपने अपने वार्डों की कई समस्याएं और विकास कार्य जो रखे, जो हमने कार्य विवरण में शामिल कर नियमानुसार उनका सुविधा आमंत्रित कार्य करवाने सुनिश्चित करें। साथ में जो 15 अगस्त का जो इशू है, उसमें सारे सदस्य मानकों द्वारा एक आगे आप दोबारा से मीटिंग आउट करके कमेटी बनाए तो दो प्रात कार्रवाई करना है, तो इस संबंध में हमने निर्णय लिया है। वहीं सर, मीटिंग के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने पालिका ठेकेदार पर आरोप लगाएं कि या पालिका पर आरोप लगाएं कि मैक्सिमम जो टेंडर्स हैं एक ही फर्म को दिए गए, ऐसा क्यों? इस संबंध में यह है कि जो भी हम निविदा प्रक्रिया करते हैं वो नियमानुसार उपापन प्रक्रिया के तहत ही करते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को पर्टिकुलर को देते हैं। जो भी लोएस्ट फर्म आती है उसको नियमानुसार निविदा या कार्यादेश दिया जाता है, अगर जो भी उन्होंने की जो बात कही है तो उसके संबंध में जांच करवा लेंगे और जो भी जाँच उपरांत उचित कार्रवाई कर लेंगे। क्या क्या रहे मुख्य मुद्दे? तो विकास को लेकर है, विकास को लेकर चर्चा हुई। उसमें मुख्य मुद्दा फिर भ्रष्टाचार में श्याम ठेकेदार का आ गया कि उसमें काफ़ी अनियमितता बरतते हुए सफाई की व्यवस्था है उसके पास है, अधिकतम ठेके उसके पास होने से श्याम इंटरप्राइजेज फर्म है उसके पास ठेके है जिसका मालिक श्याम सुंदर कुमावत है, उसकी अनियमितताएँ और उसकी अव्यवस्थाएँ वो एक मुख्य मुद्दा बना। उस पर शासन ने भी, ईओ साहब ने भी कहा, पक्ष और विपक्ष में से दोनों में से सम्माननीय हमारे जो पार्षद गण हैं उनमें से व्यक्ति लेकर के कमेटी बनाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी, और सभी विकास की जो चर्चे हैं गाँव के मुख्य सड़क नाली और लाइट व्यवस्था, इन सब पर एजेंडा मुख्य रहा। और आज साथ में 15 अगस्त को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन वो आज विकास के चर्चों की वजह से उसको अधिशासी अधिकारी ने अगली 3 या 4 तारीख को अगले सप्ताह के अंदर दोबारे करवाने के लिए रखी गई, और मुख्य जो एजेंडा रहा वो विकास और इस श्याम सुंदर ठेकेदार के ऊपर ही रहा।